एवरीवन, माय नेम इज रामास रेड़ा, वेलकम एट जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आप सब अच्छे हैं, खुश हैं। तो बेटे आज जो मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इस पे मैंने वर्कआउट किया है बेटे, मंथन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन को सीरियसली आप पढ़ेंगे, आंसर को आप देंगे राइट, और इस क्वेश्चन के आंसर को मैं सीरियसली बैठ के देखता हूं और देखता रहता हूं बेटे, इसलिए सिंसियरली इसको आप वॉच आउट करेंगे और आप कमेंट भी करेंगे। प्लीज एंड प्लीज आपने सारे क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस करिए। आई थिंक आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। तो बेटे क्वेश्चन है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल, ड्वेल का सेकेंड फॉर्म क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, बताइए ड्वेल का सेकेंड फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ड्वेल्ट होगा। क्या होगा, ड्वेल्ट होगा। ड्वेल्ट को और बेहतर समझने के लिए देखिए एक पोयम छोटा सा दिया हुआ है और आप सारे लोगों ने साथ जरूर पढ़ा होगा। एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी, और इसी में आपको ये मिलता है ऑफ्ट आई हर्ड। देखिए जिस वर्ड को आप किसी स्टोरी में पढ़ लेते हैं वो वर्ड गलत नहीं होता है। ऑफ्टन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू। अब देखिए यही वर्ड आपका ड्वेल्ट मिल गया। देखिए क्या है, डी डब्ल्यू ई एल टी, ड्वेल्ट। ड्वेल्ट वर्ड मिल गया कि नहीं मिल गया। देखिए क्या ड्वेल्ट माने क्या होता है, ड्वेल्ट का मतलब होता है रहना होता है राइट। ड्वेल माने रहना, ड्वेल्ट माने रहा राइट। तो इस पोयम को अगर आप पढ़ेंगे, इस पोयम में होगा कि पोयम का कहानी है कि ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था राइट। व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, जब मैं जंगली रास्तों से गुजरता था तो मैंने बहुत सारा लूसी के बारे में सुना था राइट। तो इसी तरह लाइन है नो मेट नो कॉमरेड, उस लूसी के पास कोई दोस्त यार मित्र नहीं थे। She dwelt on a wild moor, और क्योंकि वो कहाँ रहती थी, एक जंगली रास्तों में रहती थी, जंगली प्रदेशों में रहती थी ठीक है। तो dwelt word हमें यहाँ से मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि इसमें भी हमें बताना है which of the following is the past participle form of the verb, rip का आपको past form बताना है। Come on, option A सही है, option B सही है, option C सही है, option D सही, कौन सा राइट आंसर है। Come on everybody, फटाफट बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो बच्चे जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिप्ड ठीक है। रिप का मतलब क्या होता है, आप इमेज से समझ सकते हैं। तो रिप का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस को हम लोग रिप कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट इन पीस को हम लोग रिप कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी बहुत अच्छे से सुनिए और बढ़िया अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके बताइए क्या होगा। देखिए इसमें आपको बताना होगा कि दिया गया टेंस के जो है आपका आइडेंटिफाई करना है कि इस वाक्य में है ना, इस वाक्य में कौन सा टेंस है। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट, उसने कहा कि वह खाने जा रहा। देखिए बच्ची खाने जा रही है ना, है ना, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें बताएं कौन सा टेंस है इसमें। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अगर आप क्वेश्चन का निरीक्षण आराम से करेंगे तो आपको मिलेगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें ठीक है। ही वाज गोइंग टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटे पहले वर्ड के इमेज को भी देख लो आप, तो बीसीच, बीसीच माने क्या होता है, करना होता है प्रे, क्या करना होता है, प्रार्थना करना होता है, प्रार्थना। बीसीच माने होता है ना, बीसीच माने गेट ब्लेस फ्रॉम ईच, और गेट ब्लेस फ्रॉम ईच तभी मिलेगा जब सबसे प्रणाम करेंगे, सबको नमस्कार करेंगे। आप चित्र को ही देखकर समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति किसी से प्रार्थना कर रहा है। आई बीसीच माय लॉर्ड, जब आप कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे तो उसमें आई बीसीच माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, बीसीच माने प्रार्थना करना, और गेट ब्लेस फ्रॉम ईच, गेट ब्लेस फ्रॉम ईच, बीसीच, बीसीच का ही आपको सेकेंड फॉर्म बनाना है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन का आंसर जैसे आप देते हैं वैसे आप देते रहेंगे और कमेंट्स भी करते रहेंगे और इस चीज को भूलेंगे नहीं बिल्कुल।
सारे क्वेश्चन का आंसर पकड़ देंगे, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बैठ के देखता हूं एक एक चीज को, राइट। तो इसलिए बिल्कुल कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि कभी हमारे पास भी कुछ जरूरी काम होता है, अगर हम क्लास नहीं भी ले पाते हैं किसी कारण से, तो आपको हमें वीडियोस बना के दे देते हैं, इससे आपका कहीं से भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन इसको आप लोग लाइटली कभी नहीं लेंगे, इसको आप सीरियसली लेंगे, क्योंकि ऐसे भी समय में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको दे के जाता हूं, ठीक। तो आप ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई करेंगे, प्रॉमिस मी सब लोग। उसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों होगा बी शॉर्ट, बी शॉर्ट, राइट। तो आई बिसीच माय लॉर्ड, और पास्ट हो जाएगा बी शॉर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे क्या है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक ही वर्ड ऐसा है जो क्या है, करेक्ट है, एक वर्ड की स्पेलिंग है ऐसी जो करेक्ट है, बाकी तीन गलत है। तो इसमें जो वर्ड है, वर्ड एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ए बी आर आई डी जी ई, एब्रिज होता है, इसका अर्थ शॉर्ट करना भी होता है, और इसका अर्थ कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। कॉन्ट्रैक्टर आप जानते ही हैं, जो ठेकेदार होते हैं, राइट। तो ये ठेकेदार होते हैं, इसको एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है, राइट। आप बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। देखिए इसकी स्पेलिंग ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर, ए एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर। कम से कम आप वादा करिए कि आप 5 से 10 बार लिखेंगे तभी याद होगा। ट्रिक क्या है, देखिए ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर, E N T R E, E N T R E, P R E N E U R। देखिए यही खतरनाक है, N E U R। Entrepreneur मतलब होता है ठेकेदार। स्पेलिंग भी याद हो गया, वर्ड भी याद हो गया, राइट। और इसके ढेर सारे आपको synonyms भी मिल गए। फटाफट आंसर भेजिए, एंटरप्रेन्योर क्या होगा, एब्रिज भी होगा सर, एंटरप्रेन्योर का कॉन्ट्रैक्टर भी होगा, एंटरप्रेन्योर का शॉर्टन भी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये एंटरप्रेन्योर वर्ड का मैंने आपको एक इमेज भी दे दिया है, ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर। आर यू एंटरप्रेन्योर, माय अंकल इज एन एंटरप्रेन्योर, डू यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यस I want to become an entrepreneur, right? He is a contractor, she is a contractor, right? Come on everybody, चलिए अब देखिए ये word है आपका। अगला question है कि आपको भी इसमें choose the correct spelled word। इसमें आप बताएं एक word है जो correct spelled है, बाकी सब गलत है। Come on everybody, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताऊंगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ई टी आई क्यू यू ई डबल ई। देखिए ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई, एटिकेट मींस क्या होता है, पोलाइटनेस होता है, पोलाइटनेस होता है, पोलाइटनेस है ना, शिष्टाचार होता है। इसकी स्पेलिंग को कम से कम 5 से 8 बार लिखोगे तभी याद होगा, ई टी आई Q U E डबल T E। याद क्या करना है, E T I तो Q U E फिर डबल T E, यही याद करना है। फिर से लिखो बेटे, कम से कम 5-7 बार लिखो, जब भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए आप कॉपी पेन जरूर ले लिया करो। फिर से लिखिए E T I Q U E डबल T E, एटिकेट माने क्या होता है, शिष्टाचार होता है, एटिकेट मींस क्या होता है, मैनर होता है। फटाफट आप 3 से 4 बार लिख करके मुझे पहले भेजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कम से कम एटिकेट वर्ड को 5 बार लिखिए, कहीं भी स्पेलिंग आए तो आप आसानी से कर लो, एटिकेट ई टी आई क्यू ई टी ई, राइट। अब देखिए एटिकेट का एक सुंदर सा इमेज भी है, ठीक है। एटिकेट होना लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक, यू मस्ट हैव एटिकेट। अगर आपके पास एटिकेट ही नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई एस, एटिकेट्स, शिष्टाचार, मैनर। तो यू मस्ट हैव एटिकेट। आप सब लोगों के पास एटिकेट है बेटे, सबके पास एटिकेट है सर, एवरीवन हैज एटिकेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको भी करिए, राइट, और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा। देखो बेटे ये आपका नरेशन है, और आप जानते हैं आपके राजस्थान हाईकोर्ट में नरेशन का क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, सेड, है ना, उसने पूछा आप
Where are you going for your holidays? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए. पहले चेंज करिए. Where are you going for your holidays? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. आप तो समझ सकते हो कि बिना इसको अच्छे से समझे आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो. दिस इज द फैक्ट. कम ऑन एवरीबॉडी. तो राइट आंसर बेटे आपका होगा सी. देखिए, ही आस्क्ड मी, तो वेयर के बाद ये वेयर जो है आपका कंजंक्शन का काम करेगा. फिर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज. तो हॉलीडेज का आप जानते ही एक इमेज भी लगा है, जिससे आपका लगाओ बढ़ जाए. Where are you going? He asked me where I was going for my holidays. मैं अपनी holidays के लिए कहाँ जा रहा था? Answer फटाक से send करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Come on, बेटे जोश होना चाहिए. अगर जोश नहीं है तो पढ़ाई नहीं है. जोश के साथ question का answer 2 से 3 बार लिख के भेजो. नहीं अच्छा समझ में आता, 2-3 बार videos को देखो और आगे बढ़ते चले जाओ. ठीक, चलिए बेटे अगले क्वेश्चन बढ़ते. ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि माई मदर सेड, मेरी माता जी ने कहा, डोंट गो वेरी फार इन टू द सी. भाई लड़का समुद्र में जा रहा था, किसके लिए? तैरने जा रहा था. देखिए लिखा ना, समुद्र है, दिख रहा है बेटे? राइट. तो जैसे मैं समुद्र में गया तो राइट, माई मदर ने कहा कि बेटा डोंट गो टू फार, बहुत ज्यादा दूर मत जाना, इन टू द सी. ठीक, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं. ठीक है, तो इसका आपको बनाना है बेटा क्या, नरेशन बनाना है. बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा? माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इन टू द सी, पुट इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट बनाना है आपको. ऑप्शन बताओ बेटा, बेटा सही कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? पहले गलत ही आप ही कर लो, फिर मैं बताऊंगा. फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर. बेटे जोश नहीं कम होना चाहिए. राइट, क्वेश्चन का लेबल कैसा है, क्वेश्चन अच्छा है नहीं अच्छा है, इसको भी कमेंट करके पटापट बताते चलो बेटे. आई एम वेटिंग कमेंट, कम ऑन एवरीबॉडी. तो क्या हो जाए राइट आंसर बेटा? माय मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी. आंसर सेंड करो फटाफट. अगला क्वेश्चन देखो बेटे क्या है, कंबाइंड है. Out of the given alternative, which of the word bet expresses the meaning? मतलब synonyms बताना. Lethal का synonyms क्या होगा? Deadly होगा, legitimate होगा, harmful होगा, lawful होगा? आप पहले question को पढ़िए अच्छे से, फिर मैं आपको answer बताता हूँ. Come on everybody, गलत सही जो भी समझ में आए answer को send करिए. Come on, जल्दी जल्दी फटाफट. A होगा? नहीं, sorry. B होगा? नहीं. तो देखो ना, लेथल का मतलब होता है डेडली, और डेडली का मतलब होता है घातक. ठीक है, लेथल का मतलब होता है डेडली. देखिए यहां भी लेथल है लिखा हुआ. देखिए ये लेथल है, एक स्वॉर्ड का इमेज है लेथल. और लेथल को वर्ड को कैसे समझेंगे? जब किसी को तलवार से मार दिया जाता है तो वह लेट जाता है थल पर, वह लेट जाता है थल पर लेथल. ठीक है, आसानी से वर्ड को कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस करके. जैसे भी हो वर्ड को याद करते चलिए. तो लेथल मतलब होता है डेडली. जैसे लेथल वेपन्स, इंडियन आर्मी हैज डेडली वेपन्स, लेथल वेपन्स. राइट, तो लेथल बोलो जल्दी फटाफट, आंसर करके भेजो फटा, कमेंट करके जल्दी करो. लेथल, जब किसी को तलवार लग जाती है तो लेट जाता है थल पर, थल का मतलब जमीन पर लेट जाता है. अब बताओ बेटे इसका मतलब क्या होता है, पेंटिनेंस का अर्थ क्या होता है, सिनोनिम्स पेंटिनेंस का क्या होगा? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा. सबमिशन होगा, रेट्रीब्यूशन होगा, कन्फाइनमेंट होगा, रिपेंटेंस होता है, क्या होगा? आई एम गेटिंग योर आंसर. मैंने इस वर्ड को बताया है, कम ऑन. तो राइट आंसर होगा रिपेंटेंस. रिपेंटेंस माने क्या होता है बेटा? फील डीप सॉरो, SORROW. अगला वर्ड क्या होता है? रिग्रेट भी होता है, बताया तो हूं, रिग्रेट भी होता है. और रिपेंटेंस वर्ड का मतलब होता है पश्चाताप करना. और मैंने यह भी बताया था कि रिपेंट किया है इसने. देखिए इनको पेंटिंग का काम दिया गया, संतुष्ट हुए नहीं, फिर मैंने कहा फिर से पेंट करो, तो ये बेचारा पछताने लगा, काश कहीं मैं मेहनत किया होता तो मुझे फिर से ये काम नहीं करना पड़ता.
तो रिपेंट रिपेंटेंस पश्चाताप करना, रिग्रेट डू यू रिपेंट फॉर इट यस आई रिपेंट फॉर इट, डू यू रिग्रेट फॉर इट यस आई रिग्रेट फॉर इट। जल्दी से फटाफट आंसर भेजो बेटे, आई एम वेटिंग योर आंसर। देखिए ये भी वर्ड बहुत खतरनाक है लेकिन अच्छा वर्ड है। देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है बेटे, सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स हूं मैं, राइट। तो बताओ एंटोनिम्स क्या होगा, किस वर्ड का रेटिफाई का एंटोनिम्स बताना, रेटिफाई का मतलब क्या होता है। देखिए इस इमेज को देखिए, मैं आपको समझा दूंगा रेटिफाई का मतलब क्या होता है। देखिए रेटिफाई का मतलब क्या होता है, रेटिफाई का मतलब, देखिए रेटिफाई का मतलब होता है, वेट वेट, रेटिफाई का मतलब होता है, वेट रेटिफाई का मतलब होता है यस, रेटिफाई का मतलब होता है यस। आर यू हैप्पी? यस। रेटिफाइड मतलब सेटिस्फाइड, रेटिफाइड मींस सेटिस्फाइड, हाँ यस। और अगर नेगेटिव करना है तो किसी बात को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्टेड, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेटिफाई का जो सिनोनिम्स होगा यस, और ऑपोजिट जो होगा रिजेक्ट। आपने मेरे प्रपोजल को स्वीकार किया, रेटिफाई किया यस, नहीं किया रिजेक्ट। वर्ड याद हो गया, कमेंट करके आंसर भेजो फटाफट, कमान कमान जल्दी जल्दी फटाफट आंसर सेंड करो बेटे। अगला वर्ड है, अब देखिए क्या कह रहा है कि देयर वॉज एन एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। एल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है, एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो दूसरे की मदद करता हो, जो दूसरे की हेल्प करता हो, जो दूसरे से प्यार करता हो। देखिए ये लेडी बहुत तकलीफ में है, राइट, और ये लेडी देखिए इनको धाड़ बधा रही है, राइट। तो इसका उल्टा बताना है आपको, एल्ट्रिस्ट माने होता है दूसरे की सेवा करने वाला, और सेल्फिश माने क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो एल्ट्रिस्ट का उल्टा होगा सेल्फिश, मतलब एल्ट्रिस्ट का एंटोनिम्स होगा सेल्फिश। अब देखो बेटे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि गिव वन वर्ड विच कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु डिजर्व्स रिलीजन। ध्यान देना बेटे, वह व्यक्ति जो अपने धर्म का त्याग करता है, बहुत ध्यान सुना, वह व्यक्ति जो अपने धर्म का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में। आई एम वेटिंग योर आंसर बेटे, बताओ फटाफट क्या कहते हैं, कम ऑन। उसे बोलते हैं, बोले एपोस्टेट बोलते हैं, एपोस्टेट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एपोस्टेट बोलते हैं। देखिए यह है सेंटेंस, हाउ डू आई नो इफ आई एम एन एपोस्टेट। धर्म परिवर्तन करने के बाद देखिए ये व्यक्ति क्या है, थोड़ा चिंतित लग रहा है बंदा, एपोस्टेट हो गया है। और एपोस्टेट होने के बाद लोग कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट एपोस्टेट। अरे यार धर्म चेंज करने से, कोई चेंज करने से खुशियां नहीं आती, खुशियां इंसान के बिहेवियर एटीट्यूड सोच और समझ से आती है, ठीक है। जल्दी आंसर भेजो फटाफट गाइज, एवरीबॉडी एवरीवन। अब बताओ इसमें है, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ ब्रदर। मर्डर ऑफ ब्रदर को क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मुझे पूरा यकीन है आप लोग बता लेंगे। तो मर्डर ऑफ ब्रदर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कम ऑन एवरीबॉडी, इसे बोला जाता है फ्रेट्रीसाइड, होमिसाइड, पैट्रीसाइड। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रेट्रीसाइड। अब फ्रेट्रीसाइड क्यों कहते हैं, अरे भाई ब्रदर ब्रदर में मामला फंस जाता है, राइट, तो समस्याएं हो जाती हैं, तो फ्रेटरी साइड हो ही जाता है। फ्रेटरी माने जो हमारे ब्रदर में जो साइडें बन जाती हैं, साइड दरारें बन जाती हैं, वही फ्रेटरी साइड का कारण बन जाता है, फ्रेटरी साइड का वही कारण बन जाता है। देखिए फ्रेटरी साइड, देख लीजिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, भाई पहले इनमें क्या हुई, फासला हुआ, राइट, फासला हुआ, राइट, फ्रेटरी साइड माने बातों में विवाद हुआ, फिर साइड हो गए, फिर किसी बात को लेकर लड़ाई हुई, तो फैट्री साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका आपको बताना है गुड स्मार्टियन का अर्थ क्या होता है, गुड स्मार्टियन का मतलब क्या होता है। तो गुड स्मार्टियन का मतलब गुड, देखो कैसे गुड हो और स्मार्ट हो, स्मार्ट तो बहुत है, गुड नहीं है, स्मार्ट हो और गुड हो, स्मार्ट हो और गुड हो, वही तो होता है जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन,
स्मार्ट भी हो और गुड भी हो बाय हार्ट, स्मार्ट हो गुड हो बाय हार्ट, वही है गुड स्मार्टियन, ठीक है, वही है गुड स्मार्टियन। आप देखिए इस इमेज को भी देख कर समझ सकते हैं, देखिए ये इंसान क्या कर रहा है, है ना, देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो ये क्या हो गया, गुड स्मार्टियन हो गया, क्या हो गया बेटे, ये गुड स्मार्टियन हो गया, ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया, गुड स्मार्टियन हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड स्मार्टियन, गुड स्मार्टियन, पांडे जी कहां है सर, तो पांडे जी थोड़ा बड़ा सर मूव नहीं कर रहा है, ये हैंग कर गया क्या लगता है। तो गाइस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक सेकंड, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट प्लीज। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आ गया बेटे क्वेश्चन। हाँ बस वेट अ मिनट, आ गया सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गुड स्मार्टियन, आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट गुड स्मार्टियन पर्सन, क्या कहते हैं उसको, राइट, जो किसी की मदद करता हो, किसी की हेल्प करता हो, उसे गुड स्मार्टियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है। ट्रम्पेट जानते हैं, तुरई होता है, लोग अपने ही बजाते हैं, अपने ही सुनाते हैं। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। आई एम जस्ट गिविंग यू द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, प्रेज हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रेज हिमसेल्फ। आप देख लीजिए इमेज में, ये बंदा अपना ही बजाए पड़ा है, अपना ही समझे पड़ा है, अपना ही एक्सप्लेन किए पड़ा है। तो ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो केवल अपनी ही सुने, किसी और की ना सुने। अब आप बताइए कि टीटोटलर मीन्स क्या होता है, टीटोटलर का मतलब क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो सी ऑप्शन, वन हु डज नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग आइटम, वह व्यक्ति जो शराब वगैरह न पीता। देखिए क्या है, बीइंग अ टीटोटलर, मैं किसी भी प्रकार की शराब मदिरा नहीं पीती हूं, इसलिए हम क्या हुए, टीटोटलर हुए। दो मिनट, राइट अगला क्वेश्चन है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज के लिए आप क्या कहेंगे, राइट वर्ड क्या होगा, तो राइट वर्ड होगा पेनेसिया। पेनेसिया, पेन ऐसा दिया, पेन ऐसा दिया, वर्ड को याद करने थे, पेन ऐसा दिया कि उपचार ही नहीं हो पा रहा, काश कोई ऐसी दवा होती मेरे सारे दर्द का इलाज हो जाता, मेरे सारे कष्टों का इलाज हो जाता, उसे हम लोग पेनेसिया कहते हैं। पेन ऐसा दिया कि कोई दवा मिल जाए और जिससे मेरा सारा दर्द खत्म हो जाए। ये देखिए पेनेसिया एक दवा है, देखिए लिखा भी है पेनेसिया कि कोई किसी ने ऐसा दर्द दिया, ऐसा कष्ट दिया, पेन ऐसा दिया कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे मेरी सारी समस्याएं लाइफ की दूर हो जाए। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन आज का है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट, दुनिया सुधर सकती है अगर इंसान एक प्रयास करे, उसे क्या कहते हैं, ऐसा तो कोई मिल जाए जिसके प्रयास से पूरी दुनिया ही सुधर जाए, वही है मैलियोरिस्ट, वही है मैलियोरिस्ट। तो गाइस आज जो मैंने आपको जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है बेटे, मेरा प्रयास कैसा रहा, आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो बच्चे हमारे नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और बेटे इसको लिंक को अपने दोस्त मित्र यार के यहाँ सेंड कर देना जिससे वो भी लाभान्वित हो जाए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड डे ऑल, टेक केयर ऑल, अपना और अपने सबका ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।